हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज हम क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है, तो 2021 का, उसके ऊपर बात करेंगे। आज उसके हम पार्ट वन के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा सेशन वन रहेगा उसमें हम 1 मार्क्स क्वेश्चन लेंगे और सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैसे सोल्व होंगे। तो इसमें हमारे कुछ सिलेबस मैंने करा भी दिया है क्लास ट्वेल्थ का कंप्लीट, और कुछ बाकी भी है तो उसके ऊपर भी मैं बाद में करूँगा। लेकिन सैम्पल पेपर आया है तो स्टूडेंट्स की ने बोला है कि सर को पहले सैंपल पेपर करा दो, तो उसको पूरा करा रहा हूँ सैंपल पेपर को। तो सबसे पहला हमारा है, ये हमारा क्लास ट्वेल्थ का सैंपल पेपर मैथ का है, सेशन 2020-21। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन वन दिया हुआ है, चेक वेदर द फंक्शन एफ बिलोंग टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1-1 और नोट। 1 मार्क क्वेश्चन है, पूरा सोल्व करेंगे आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ये 1 मार्क्स में पूछे हैं, बाद में पता नहीं एग्जाम में ज़्यादा के भी पूछ सकते हैं। तो हमारा क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा 1-1 फंक्शन है या नहीं है, जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, ये हमारा है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन हमारा क्या रहेगा, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, देखो एफ एक्स दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 1-1 फंक्शन होता क्या है। तो 1-1 फंक्शन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन हम दो ले लेंगे, एक इसको x1 ले लेंगे और x2, ये हमारे दोनों आने चाहिए इक्वल। इस फंक्शन में एक बार x1 पुट करेंगे, एक बार x2, तो दोनों हमारे क्या आने चाहिए इक्वल। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारे 1-1 फंक्शन है। तो इसमें हम करेंगे, देखो एक बार क्या ले लेंगे, x1 ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे, x2 ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर ले लिया हमने। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन की क्यूब, और सिमिलरली ले लेंगे एफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू की क्यूब। तो दोनों को इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स, देखो एक्स वन की क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू की क्यूब, तो हमारा क्यूब से क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गए तो क्या होगा, तो हेंस दे आर 1-1 फंक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स एक छोटी सी क्वेश्चन को बाद में घुमा सकता है, अभी हमें दिया है क्यूब, बाद में हमें एग्जाम में क्या दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है या 4 पावर दे देगा। इवन और ओड पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, अगर इधर इवन पावर आ जाएगी तो ये फंक्शन हमारा 1-1 नहीं रहेगा। अभी हमारा क्यूब में ओड पावर में है तो हमारा है 1-1, अगर इधर पावर आ जाती 2 इवन पावर और 4 आ जाती तो ये हमारा 1-1 फंक्शन नहीं था। क्योंकि 1-1 किस लिए नहीं था, क्योंकि इधर भी 2 पावर रहती, इधर भी 2 पावर रहती, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, हम हमेशा स्क्वेयर के साथ क्या करते हैं, प्लस माइनस आ जाता है दूसरी साइड, तो हमारा प्लस माइनस का 2 फंक्शन आ जाते, तो हमारा 1-1 फंक्शन नहीं रहता स्टूडेंट्स। तो ये अभी हमारा फिलहाल टाइम हमारा क्या है, एक्स क्यूब में हमारा 1-1 फंक्शन है। अभी इसके और में क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन द सेट ऑफ हुज एन ए इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट। तो इसमें हम स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो इसमें सिंपल सी हमारी प्रॉपर्टी रहेगी कि हमारे इसमें कितने दे रखा गया, देखो सॉल्यूशन हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एन ए इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, कोई भी एक मान लो हमें ए ले लिया, उसमें तीन नंबर ले लिए। अब एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, क्या होता है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है, ए ए बी बी सी सी, इस प्रकार हम ले लेंगे काफी नंबर आ जाएंगे। तो इसमें हम किसने क्या रिलेशन बनेगा हमारा, इसका रहेगा हमारा जनरल फॉर्मूला रहता है 2 की पावर n। तो हमारा n कितना दिया हुआ है, 2 2 n, कितना दिया हुआ हमें 3 दिया हुआ है, तो हम कर देंगे इधर 3 पुट, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा स्टूडेंट, थोड़ा सेट में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 2-3 ये सारे सेट से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी हमें, क्योंकि सेट मैंने अभी पूरा कराया नहीं है, जब मैं कराऊंगा तो उधर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा सेट के ऊपर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, की क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, ए रिलेशन आर इन सेट दे दिया 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 विच इज एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर वी रिमूव्ड, इधर देखो स्टूडेंट रिमूव
टू मेक ए इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है कि हमें ये जो सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसमें हम रिलेशन बनाएंगे 1 1, ये दिया हुआ है हमें 1 1 1 2, ये बन गया इससे एक रिलेशन हमारा। तो ये बोल रहा है कि इस जो रिलेशन में से क्या रिमूव करें कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है तो हमें इसको हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है, जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, जो हमारा सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो, और हमारा क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, वो हमारा होगा इक्विवेलेंस। जो हमारे तीनों होंगे रिलेशन होंगे वो रिलेशन क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमारा है। अब हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल वन मार्क क्वेश्चन है, हम सोल्व पूरा ही करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आपको, जब मैं वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूंगा मेरी सेट रिलेशन के ऊपर, तो आपको उधर से पूरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का पूरा मिलेगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा ए बिलोंग टू रियल नंबर है तो ये रिलेशन होता है ए ए बिलोंग टू रियल नंबर। जो हमारा ए ए है वो हमारा इसमें बिलोंग करना चाहिए। देखो स्टूडेंट, तो हमारा 1 1 है, देखो 2 2 है, 3 3 है, सेम है ए ए बी बी सी सी, तो हमारा ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम इसको भी रिमूव नहीं कर सकते, इसको भी रिमूव नहीं कर सकते, इसको भी रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। देखो 1 और 2 क्या है, अलग अलग है दोनों। तो इस प्रकार सिमेट्रिक पे बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक हमारा रिलेशन क्या होता है, ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और इक्वल क्या होना चाहिए, बी एंड ए बिलोंग टू रियल नंबर, दोनों हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये भी हमारे इक्वल है, 1 1 है हमारे, और सेम हमारे क्या है, ये भी, ये रिलेशन हमारा इससे सेम प्रूव होगा, और ये भी हमारा सेम। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, 3 होते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होते हैं, 3 होते हैं, ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर, और हमारा होगा ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, और बी और सी बिलोंग टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स जब हम सभी ये तीनों पढ़ लिया तो हमें ये एलिमेंट जो हमारा 1 2 है इसको रिमूव करेंगे, 1 2 एलिमेंट रिमूव, इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंस, इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा ये हट जाए तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी, तीनों हमारे रिलेशन प्रूव हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइन एज आर बिलोंग टू ए बी। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इज फंक्शन और नोट जस्टिफाई, हमें बताना है कि हमें ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखो इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, देखो हमें ये फंक्शन दे दिया, गिवन दिया हुआ है अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी, क्या करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर आ गया स्टूडेंट हमारा, ये लिख सकते हैं हम। अब ये फंक्शन है या नहीं हमें ये बताना है, देखो अब ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो स्टूडेंट ये ले लिया, अब मान लो हमने क्या कर दिया, ए ले लिया, ए की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 1 ले ली, कितनी ले ली, 1 ले ली, हमने 1 रखी ए की जगह, और बी की जगह भी हमें, सॉरी स्टूडेंट्स हमें बी की जगह 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 किया, इधर भी 1 किया, तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मान लो हमने बी स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दिया, -1 कर दिया, बी स्क्वेयर की जगह क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। जब बी स्क्वेयर की जगह -1 पुट किया तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, जब 1 किया तो 1 आया था, देखो हमने जब हमने बी स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दिया, -1 पुट किया तो हमारा क्या फिर आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वन पुट किया तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा। जब किसी भी एक फंक्शन से हमारा दो आ जाए, क्या आ जाए, दो आ जाए, दो वैल्यू आ जाए, दो वैल्यू से एक आ जाए, तो हमारा वो फंक्शन नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल सा यही है कि इट इज ए नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ कि क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या है। इसी का स्टूडेंट्स हमारा एक पार्ट और है, एक सेट का एक क्वेश्चन है। एक इक्विवेलेंस रिलेशंस आर इज, इसी के और में है, ए डिवाइस इज ऑन टू इक्विवेलेंस क्लासेज ए वन ए टू ए थ्री, विच इज द वैल्यू ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री एंड ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। स्टूडेंट्स ये बाय द प्रॉपर्टी है, मैं इसको सिंपल आपको लिख के बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ए है हमारा, उससे हमारी तीन है, तीन क्लासेज है, ए वन ए टू और ए थ्री, तीन क्लासेज हो गई। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री की और ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। तो ये तो हमारा तीनों क्या है, यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा और इन तीनों का करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स फाइव आएगा। ये हमारा रिलेशन है, ये आप सेट और रिलेशन की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, तो जो कि हमारे अभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं करा भी चुका हूँ मैट्रिक्स हमारा चैप्टर। और अभी थोड़ा सा इधर मैट्रिक्स के क्वेश्चन अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमारा दे रखा है। इफ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू एन एंड एम इंटू फाइव रेस्पेक्टिवली, हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका ऑर्डर दिया हुआ है थ्री इंटू एन एंड एम इंटू फाइव रेस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें किसका ऑर्डर फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 3b गिवन दैट इट इज डिफाइंड। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो हमें a का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 इंटू एन, बी का कितना दिया हुआ है हमें m इंटू फाइव। स्टूडेंट्स मैं इसमें एक सिंपल सी बात बताऊंगा, हम किसका सम कर सकते हैं, हमें इसने क्या पूछा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सम और सबट्रैक्ट। ये इधर देखो जो हमारा 5 है माइनस, माइनस हो या प्लस हो इधर कुछ भी हो, हम किसी मैट्रिक्स का सम और सबट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। किसी भी मैट्रिक्स का कब सम कर सकते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम हो, सेम। और इसका ऑर्डर सेम कब होगा, जब हमारा एन की जगह फाइव आ जाए और एम की जगह थ्री आ जाए। अभी देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव। अगर हमारा दोनों का, इधर हम n की जगह 5 पुट कर दे, इधर m की जगह 3 पुट कर दे, तो हमारा दोनों का ऑर्डर सेम आ जाएगा और हम सेम ऑर्डर का ही सम, मैट्रिक्स का सम और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बात मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया तब भी बताया था आपको और अभी भी बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइंड द ऑर्डर क्या होगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 3b मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5। क्या ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो ही हम इसका सम और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी ऑर्डर हमारा यही होगा स्टूडेंट 3 इंटू 5। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल आसान दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर की, वेयर ए इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। एक कितना का मैट्रिक्स दे रखा है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे। उसने हमें एलिमेंट डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, हमें दिया हुआ है I और J इज नॉट इक्वल टू, I और J इक्वल नहीं है दोनों, तो हमारी वैल्यू 1 है और I और J इक्वल है तो हमारी वैल्यू 0 है। तो देखो गिवन स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन थोड़ा सा गिवन क्या दिया हुआ हमें, हमें गिवन दिया हुआ है 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, इधर ए वन वन, इधर ए वन टू, इधर ए टू वन और इधर ए टू टू। अब देखो क्या दिया हुआ है, I और J, हमारा I और J इज नॉट इक्वल तो हमारी वैल्यू 1 है और I और J इज इक्वल टू है हमारा तो हमारी वैल्यू 0 है। अब देखो ये हो गया हमारा I और ये हो गया J, दोनों क्या है, इक्वल है। देखो हमारा ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ये दिया हुआ ए मैट्रिक्स हमें, ये आई और जे क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0। अब 1 और 2 इक्वल है, नहीं है,
तो हमारा आई आर जी इक्वल नहीं, तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 1। तो सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 0। तो अब हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0 1 1 और 0, ये हो गई हमारी ए की ए मैट्रिक्स आ गई। हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, ए स्केयर। तो हम ए स्केयर फाइंड करेंगे, तो ए स्केयर तो हमने बहुत अच्छी तरह सिखाया था मैंने आपको, ए इंटू ए, तो 0 1 1 0 0 1 1 0, ये हमने कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करना मैंने मैट्रिक्स में आपको सिखा ही रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +1, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, इसकी करेंगे 0, तो ये होगा 0, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसके साथ 0, इसके साथ करेंगे 1, इसके साथ करेंगे 0। तो स्टूडेंट्स हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 1 0 0 1, ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा घुमा के दे रखा था कि हमारे ये इस टाइप में दे दिया। अब हम अभी हमें पता हमें ये निकालना था, हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली हम कर लेते, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया और हमें इस तरफ दे दिया। क्वेश्चन सेम था वही, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा के सीबीएसई में थोड़ा घुमा के दिया ही जाता है क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसी के और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस। स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, अगर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बहुत ही आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन की पावर -1, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो क्या है हमें यही निकालना है, हमें डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है -4, ऑर्डर कितना दिया हुआ, एन क्या है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर कितना दिया हुआ 3 × 3 का 3 -1, तो कितना हो गया -4 की पावर 2, और -4 का करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आंसर 16। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, ये हमारा ये रिलेशन कहाँ से आया, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हो गया हमारा। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ ऑर्डर 3 × 3 का, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a11 a21 plus a12 capital a22 plus a13 a23, वेयर ए आई जे, स्टूडेंट्स इधर इंपॉर्टेंट है देखो, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, जो हमारा ये है, ये हमारा इसका क्या है को, जो हमारा ये दे रखा है ये a11 और a21, ये हमारा क्या है a21 हमारा कोफैक्टर है, ये हमारा कोफैक्टर है, जो ये जो तीनों है ये हमारे क्या है कैपिटल ए इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, जो हमारी ये है इनके ये क्या है कोफैक्टर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, ए का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, उसका ऑर्डर गिवन है, स्टूडेंट्स कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, देखो अभी नीचे मैंने लिख लिया है प्रॉपर्टी क्योंकि लंबा था, क्योंकि इसमें देखो इफ द एलिमेंट ऑफ एनी लाइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय द कोफैक्टर ऑफ कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी पैरेलल लाइंस द सम ऑफ द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज 0। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर तो क्या होगा, सिंपल है 0। अब क्यों होगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, देखो इसको समझना आप क्या है कि डिटर्मिनेंट की जो हमारी फर्स्ट रो है उसके साथ मल्टीप्लाई करें उसके कोफैक्टर का पैरेलल लाइंस के कोफैक्टर को, देखो ये इंपॉर्टेंट है इधर, ये पढ़ो और ये मल्टीप्लाई में ये हमारे मल्टीप्लाई ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इज पैरेलल लाइन द सम ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म 0। हमारा क्या है देखो, हमें कितने ऑर्डर का दिया हुआ है 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये दिया हुआ है देखो। अब क्या बोल रहा है देखो, बाय प्रॉपर्टी हम फर्स्ट इसको एक्सपेंड करें इसके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा a11 क्या आ जाएगा 22 a23
A32, A33 ये क्या है, इसके पैरेलल है। तो हमने इस तरह देखो, इस तरह लिखते हैं हम किसी का भी हम कोफैक्टर निकालें तो मान ले A1 ले लिखते इधर, ये इसका कोफैक्टर हो जाता था, इसका A1 का कोफैक्टर हो जाता था, ये इस तरह लिखते थे। लेकिन अभी बाय प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है कि A11, तो A11 हमारा क्या बोल रहा है बाय प्रॉपर्टी, A11 है हमारा ये वाला मल्टीप्लाई हो गया कोरस्पोंडिंग टू एलिमेंट इन पैरेलल लाइन। इसकी पैरेलल क्या है, A21, क्या है A21, A21 का इधर क्या आएगा, A21 का कोफैक्टर। उसके बाद प्लस अगला क्या है, A12, उसके बाद किसका, उसका पैरेलल क्या है हमारा, A22, इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करें। प्लस अगला क्या है हमारा, A13, और उसका पैरेलल लाइन क्या है हमारा, A23। तो इन सभी का सम क्या होगा हमारा, जीरो। क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, जीरो। ये हमें ये बोल रहा था, ये मैंने बताया आपको कि कैसे हम निकालते थे A11 का, ऐसे निकालते थे। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, इसका रिवर्स है, इसका नीचे वाला पैरेलल, ये वाला इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, ये सेम। उस बाद में हमारा इनका भी नहीं, अगर दूसरा कुछ पूछ ले इसकी जगह, हमें अलग पूछे 3 का पूछ ले, तो भी हमारा क्या आंसर आएगा, अगर इस टाइप का हमें पूछा जाता है और यही स्टेटमेंट दिया जाता है, तो किसी भी का भी पूछेगा हमें इस फॉर्म में दिया, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। अभी चलते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ex ब्रैकेट 1 माइनस cotx प्लस cosecant स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज dx। हमें पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर x तो हमारा बाहर है, क्या है e की पावर x तो हमारा बाहर है, 1 माइनस cotx। अगर इसका डेरिवेटिव इधर आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव अगर हमारा इधर, देखो 1 माइनस cotx क्या है, 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, और माइनस का कोट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोट का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर आ जाएगा हमारा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, अगर इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो बाई इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x तो हमारा बाहर रहेगा, और ये हमारा सेम है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर x 1 माइनस cot x प्लस c, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। इसका हम अगर डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव हमारा ये आ रहा है तो ये हमारा e की पावर x बाहर रहेगा 1 माइनस cot x प्लस c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है स्टूडेंट्स, इसी का हमारा और में क्वेश्चन दे रखा है, और में क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स इसको बाय प्रॉपर्टी कर लो, या फिर हम इसको यूजिंग आईलेट, मैं इधर यूजिंग आईलेट रूल करके दिखा रहा हूँ, पिछला मैंने प्रॉपर्टी करके दिखा दिया था यूजिंग आईलेट रूल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर में, तो आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, टाइम भी बचेगा, आईलेट से हमारा लंबा रहेगा। तो आईलेट रूल हमारा सेम रहेगा, हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें इसको हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे, तो एक्स स्क्वेयर साइन एक्स लिख लिया और डी एक्स। अब करेंगे यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वेयर का, डॉट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और फिर इसका पूरे का फिर दोबारा इंटीग्रेशन होगा डी एक्स, ये होगा स्टूडेंट हमारा। और पूरे की लिमिट क्या है हमारे स्टूडेंट, माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू। तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस कोस एक्स हो गया हमारा, माइनस का साइन, इधर क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स,
और इधर हमारा क्या है एक और डी एक्स, और इसकी लिमिट क्या है हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये हमारी लिमिट है। तो ये तो इसको तो बाहर लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स, इसमें फिर दोबारा आईलेट रूल यूज करेंगे, माइनस का साइन बाहर ले लिया मैंने तो इसका दोबारा करेंगे टू एक्स एज इट इज, माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं स्टूडेंट सीधा सीधा, टू एक्स को एज इट इज लिया, कोस का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, सेम मैं दोबारा ये आईलेट यूज कर रहा हूँ, माइनस का साइन इंटीग्रेशन, टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स, और डी एक्स इस पूरे का लिमिट क्या है हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया हमारा। इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स, और इसका करेंगे तो साइन का करेंगे तो माइनस का साइन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो टू साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, लिमिट कितनी है हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू प्लस सी। आइए हो गया हमारा, अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज हमें क्या दे रखा है, अभी हमें क्या करना है, हमें करना है इसकी लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखो देखो इधर लिख लेता हूँ इसको एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब के लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब पुट कर देता हूँ एक्स की जगह मैं पहले पाई बाई टू पुट कर देता हूँ, पाई बाई टू का होल स्क्वायर। देखो अभी इसको मैं इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस पाई बाई टू प्लस टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू पुट कर दिया, सेम टू कोस पाई बाई टू। अब क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस का साइन बीच में, अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस का साइन है इधर देखो। अब क्या इसकी जगह क्या करेंगे माइनस पाई बाई टू, तो मैंने माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर कोस माइनस पाई बाई टू प्लस टू, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू साइन माइनस पाई बाई टू प्लस टू कोस माइनस पाई बाई टू, और ये हो गया हमारा स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब कोस 90 क्या होता है हमारा जीरो होता है, क्या होता है कोस 90 क्या होता है जीरो, तो ये भी जीरो हो गया हमारा, जीरो हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन 90 कितना होता है वन, तो प्लस हमारा कितना हो गया पाई हो गया हमारा, पाई बचाइए ये वन हो गया ये पाई बच गया, ये हमारा क्या हो गया जीरो। अब माइनस का साइन हो गया, ये तो हमारा पहले वाला पार्ट शुरू हो गया, दूसरा क्या है ये माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा लिया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय द मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था, देखो इधर एक प्रिंसिपल वैल्यू का बता रहा हूँ, अगर ये ऐसे है तो हम इसको क्या लिख सकते थे माइनस कोस पाई बाई टू लिख सकते थे, सॉरी कोस का था कोस, इसमें कोस में हम बाहर नेगेटिव लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो इसको कोस 90 क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो। अब देखो इसमें टू से तो टू कैंसिल हो गया, साइन ये नेगेटिव, साइन में क्या आ जाएगा ये नेगेटिव का साइन बाहर आएगा, कोस में नहीं आता साइन में बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर ये वैल्यू कितनी बच जाएगी हमारी पाई बच जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो ये बचेगा पाई और ये इधर भी हमारा पाई, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा जीरो, क्या आंसर हो गया स्टूडेंट्स इसका हमारा जीरो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, कि क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसका है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन एक मार्क का है तो मैं उसी के हिसाब से, ये हमारा जो दे रखा है ये पैराबोला दे रखा है, किसकी इक्वेशन दे रखी है हमारी पैराबोला की दे रखी है, ठीक है। और हम इन क्वेश्चनों मैंने चैप्टर कराया नहीं है अभी तक, जो मैं कराऊंगा तो आपको उधर से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बट मैं इधर आपका जो सैम्पल पेपर है उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट ले रहे हो, एक्स की क्या है माइनस वन से, एक्स की लिमिट कितनी है हमारी वन है, और इधर क्या लेते हैं वाई डी
एक्स। अगर हम वाई का फंक्शन लेंगे तो एक्स की लिमिट लेंगे, इधर इधर एक्स का फंक्शन लेंगे तो हम वाई की लिमिट लेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक रहेगा। अगर हम एक्स की लिमिट लेंगे तो हम वाई के फंक्शन लेके उसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स की रेस्पेक्ट में। अगर इधर वाई की लिमिट लेंगे तो इधर एक्स का फंक्शन लेंगे डी वाई की रेस्पेक्ट में। हमारा ये इसका बेसिक कंसेप्ट रहेगा। तो हमें सिंपल एक्स की लिमिट दे रखी थी, क्यों मैंने इधर वाई का फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि इधर हमें एक्स की सिंपल वैल्यू दे रखी थी, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन ही है हमारा, और एक्स की हमें लिमिट दे रखी थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, वाई का फंक्शन हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, देखो इंटीग्रेशन माइनस वन से वन, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको करना आता है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो माइनस वन से वन ये हो गया हमारा प्लस सी सॉरी, अब लिमिट पुट करेंगे वन, वन कर दिया, वन का क्यूब करेंगे तो वन ही रहेगा अपॉन थ्री माइनस का साइन। अब करेंगे इस पे माइनस वन का क्यूब अपॉन थ्री, इसको सोल्व करेंगे तो वन बाई थ्री प्लस वन बाय थ्री, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा टू बाय, कितना आ गया टू बाय थ्री स्क्वेयर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार मैंने इसका बताया आपको कि इसमें हम कैसे करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आर देयर इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर इज दिया वाई इज जीरो इज इक्वल टू वन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें बताना है क्या, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो इसमें डिफरेंस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बताने हमें, हाउ मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, कि हमारा इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर नाइन। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो, मैं आपको मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट तक तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन भी करा दिया है, आपको समझ आ जाना चाहिए देखते ही। पहली बात मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, जो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है हमारा इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्या होता है, ए बी सी इस प्रकार दिया होता है, ये हमारे होते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। क्या होते हैं ये, हमारी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। और इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा ओनली एक्स और वाई की रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, और हमारे एक्स और वाई ही है, कोई ए बी सी हमारा इसके साथ अटैच नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें आंसर क्या लिखेंगे, दे आर नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है इस इक्वेशन में। हमें यही पूछा था, हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें क्या है हमारा कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हमारे क्या होता है ए बी सी डी जो भी हमारे है हमारे, लेकिन एक्स वाई की रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन है, और एक्स वाई की रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन बचा हुआ, तो हमारा इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर टेंथ हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर टेंथ हमारा दिया हुआ स्टूडेंट्स, फाइंड ए यूनिट वैक्टर इन द इन डायरेक्शन अपोजिट टू माइनस थ्री बाई फोर जे। क्या निकालना है हमें, फाइंड यूनिट वैक्टर। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा वैक्टर का है ये। क्या हमारा दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन, डायरेक्शन अपोजिट टू, इसके अपोजिट है। अब हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए पोजीशन वेक्टर अपॉन ए पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा होता है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्शन अपोजिट, इसकी क्या है अपोजिट है, जो यूनिट वेक्टर है वो इसका अपोजिट है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का साइन। क्यों आया माइनस का साइन, हमारा डायरेक्शन अपोजिट दे रखी है। और हमें ए वेक्टर क्या दे रखा है, ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है ए वेक्टर हमें माइनस थ्री बाई फोर जे। तो हमारा इसका हमें क्या, ये तो वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, ये दे रखा है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्वेयर माइनस थ्री बाई फोर का स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन बाय सॉरी नाइन बाय फोर 9 बाई 16, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा इसका मैग्नीट्यूड 3 बाई 4 आ जाएगा। तो हम इसका वेक्टर निकालेंगे माइनस का साइन, ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस 3 बाई 4, तो माइनस 3 बाई 4 जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला कितना है हमारा 3 बाई, तो वैल्यू 3 बाई 4 है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर ये तो, और 3/3/4 तो हमारा कितना आ जाएगा, ये क्या यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड आर रेस्पेक्टिवली बाय द वेक्टर 2i एंड -3j। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है। और हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i दिया हुआ है, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है -3j दिया हुआ है। तो हम इसका निकालेंगे तो 1/2 मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर कितना है 2i क्रॉस -3j। अब किसी भी हम इसका क्या करेंगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम करते हैं, देखो ये हो गया हमारा आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के, ये डायरेक्शन रहेगी। तो आई क्रॉस जे हमारा क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के। तो 1/2 ये हो जाएगा -6, और आई क्रॉस क्या हो जाएगा हमारा के हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 36, तो 2 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। क्या दिया हुआ है हमें, एंगल निकालना है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए एंड बी, गिवन दैट कंडीशन दिया हुआ है ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स हमें देखो, स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गिवन क्या दिया, वेक्टर का क्वेश्चन है, ये भी हमें दिया हुआ है ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 1 दी हुई है, ये हमें यूनिट वेक्टर, ये हमारी गिवन कंडीशन है, ये हमारा दोनों की वैल्यू 1 है। और हमें क्या निकालना है, एंगल कोस थीटा, कोस थीटा निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, इससे निकालेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी ये दिया हुआ है हमें। अब क्या कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको ओपन करेंगे जब हमारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे, इसका स्क्वेयर हो जाएगा इधर, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वेयर प्लस 2.a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, कि हमें बाई क्वेश्चन गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू, हमें यही वैल्यू चाहिए थी। अब इसको हम सारी वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी आई, -1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है हमारी, 1 है। तो cos थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, देखो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू cos -1/2, ये हमारी आ गई थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में। तो हमें इस प्रकार, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, हर बोर्ड में मैंने देखा है, हर बार किसी न किसी तरह पूछा जाता है। तो अगला अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। स्टूडेंट्स हमें क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन, और कौन सी प्लेन के पूछे हैं हमें डायरेक्शन कोसाइन, वाई जेड प्लेन। अब हमें वाई जेड प्लेन दे दिया स्टूडेंट, तो हमारा एक्स क्या हो गया, सिंपल सी बात है, 0 हो गया। तो हम इसको क्या, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 0, 1 और 1, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, ये हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 0i प्लस जे प्लस के, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो जो हमारा गिवन वेक्टर है उसके जो i के साथ, j के साथ और k के साथ जो कोफिशियंट है वो हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया 0 हमारा, इसका ये, इसके साथ क्या है, 1,
और इसके साथ क्या है वन, ये क्या हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो। हमें एक क्वेश्चन में क्या पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए जो हमारा गिवन वेक्टर है उसका क्या चाहिए हमें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका हम कैसे निकालते हैं देखो ये है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट इसके कोफिशियंट का स्क्वेयर, इसके कोफिशियंट का स्क्वेयर और इसके कोफिशियंट का स्क्वेयर, तो जीरो का स्क्वेयर जीरो, वन का स्क्वेयर वन और वन का स्क्वेयर वन, तो हमारा कितना आ गया अंडर रूट टू आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो हमारे डायरेक्शन रेशियो है वो अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट टू, इसके अपॉन भी अंडर रूट टू और इसके अपॉन भी अंडर रूट टू, तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन इस क्वेश्चन के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव कट द वाई जेड प्लेन। क्वेश्चन हमारा है 3D का स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका है, वन मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ हमें वाई जेड प्लेन, गिवन क्या है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में क्या स्टूडेंट्स क्या जीरो है, जेड इज इक्वल टू जीरो हमारा सिंपल सी बात है। हमारी गिवन इक्वेशन क्या है एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू, जो हमारी ये इक्वेशन है ये हमारी कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सॉरी कार्टेशियन फॉर्म है हमारी, तो हमारा इसमें क्या पुट कर देंगे जेड की जगह हम जीरो, तो मैं जेड की जगह क्या पुट कर दिया जीरो। हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का फाइंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू तो हमें निकल गई इधर से जो हमें प्लेन दिया, जेड तो हमारा जीरो आ गया, मैंने जो गिवन इक्वेशन है कार्टेशियन उसमें जेड की जगह क्या पुट कर दिया जीरो। अब क्या हो गया एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वन, इधर कितना आ गया स्टूडेंट्स वन आ गया हमारा, क्या आ गया वन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वन और इसको वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वन ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है हमारे सारे, तो इसकी इधर चला जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी इधर से जीरो आ गई। सेम इसमें करेंगे तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन और वाई की निकालेंगे तो कितनी आ गई हमारी जीरो, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए जीरो जीरो जीरो, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स जीरो जीरो जीरो। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क्स मैं तो बोलता हूँ, ये थ्री मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन हमें इधर से देखने के लिए पता कि हमारा इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, देखने से पता आर 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व। स्टूडेंट्स मैं इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बता देता हूँ कि हमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ए और बी की प्रोबेबिलिटी सोल्व अलग अलग सोल्व करने की, अलग अलग सोल्व करने की दिया हुआ है, पी ए की प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंटली एक अलग सिंगल बंदा सोल्व कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 1/3 और बी पी बी सोल्व कर रहा है इंडिपेंडेंट मतलब खुद एकला आपने खुद के दम पे सोल्व कर रहा है इसको और इसको मैंने ये निकाल दिया। अब मान ले हम मान लेते हैं कि ये एकला सोल्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो वन में से माइनस हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/3 तो हमारा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब मान ले बी भी नहीं सोल्व कर पाए, नहीं सोल्व कर पाए तो 1 - 1/4 तो हमारा कितना आंसर होगा इधर 3/4। अब हमने सिंगल सोल्व कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी, वो सिंगल सोल्व नहीं कर सकते उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। मैंने भी स्टूडेंट्स अभी से प्रोबेबिलिटी कराया नहीं है, कराऊंगा तब आपको इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन पता लग जाएंगे अलग से ही बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी लेक्चर लेके लेके आने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो अभी ये हो गया नहीं निकालने की हो गया, अब हमें इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो इंडिपेंडेंटली का हमारा होता है इंडिपेंडेंटली का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंटली का, कोई दो फंक्शन इंडिपेंडेंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी इसकी और इसकी, अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी जे, ये हम निकालेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी 2/3 मल्टीप्लाई 3/4
तो हमने लिख ली, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से ये, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2 स्टूडेंट्स। अब ये तो थी इंडिपेंडेंटली सोल्व नहीं करने की, कि वो सही नहीं सोल्व नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व, कि प्रॉब्लम सोल्व, ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व। तो हम अब प्रॉब्लम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम सोल्व, तो क्या कर देंगे जो हमारी नहीं आई है, 1-P ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारी नोट की है, तो 1-1/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आया हमारा 1/2, यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आज हमने क्लास 12th का जो हमारा सैम्पल पेपर आया था उसके क्वेश्चन करे, हमारा पार्ट वन जो हमारा सेक्शन पार्ट वन तो मैंने कंप्लीट नहीं कराया, मैं नहीं बोल सकता कि पार्ट वन है, हमारा सेशन वन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेशन वन में हमारे 1 मार्क क्वेश्चन थे और सेशन टू में भी हमारे सारे 1 मार्क क्वेश्चन ही रहेंगे। तो हमें आज सेशन वन कंप्लीट कर लिया है, तो हम नेक्स्ट सेशन में सेशन टू में भी हम 1 मार्क क्वेश्चन ही करेंगे, अप्रोक्सीमेट उसमें 8-10 क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन, और उसके बाद हम पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पार्ट टू के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा इन वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आपने कुछ बच्चों ने किसी ने सेट नहीं किया होगा, किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया होगा। सैंपल पेपर का हमारा मतलब होता है कि हमें पूरा मैथ किया हुआ है उसका रिवीजन, सैंपल पेपर का मतलब वही होता है। तो कुछ बंदों को जो मेरे लेक्चर से ही ओनली पढ़ रहे थे, है बहुत से बंदे, तो उन्होंने मैंने सेट भी नहीं कराया है, वैक्टर नहीं कराया है ना प्रोबेबिलिटी कराया, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी लेक्चर लेके आना, सिलेबस नेक्स्ट मंथ तक नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ का आपका। तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट।